सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं हम बैठने वाले हैं। संसद के आगामी विशेष सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मंगलवार यानी 5 सितंबर को अहम बैठक कर आगे की रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वो इस सत्र में सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं बैठेगी बल्कि दोनों सदनों में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चाहती है। बता दें संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस की संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक के बाद ये भी कहा कि सत्र में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे उठाए जाएंगे। जब कभी विशेष सत्र बुलाया जाता है पहले से विषय की जानकारी सभी पार्टियों को मिलती है, पार्टियों के साथ बातचीत होती है, अलग अलग नेताओं के साथ बातचीत होती है, एक मोटे तौर से एजेंडा तय किया जाता है और विशेष सत्र बुलाया जाता है। ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि अचानक जब इंडिया पार्टियों की बैठक हो रही है मुंबई में, उस बैठक से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सहयोगी घोषणा करते हैं कि 5 दिन का विशेष सत्र होगा। रमेश ने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई बैठक में आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, महंगाई, हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण हुए नुकसान, पूर्वोत्तर में बाढ़, मणिपुर की स्थिति, अडानी समूह से जुड़े मामले और सीमा पर चुनौती को लेकर चर्चा हुई। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया है और संकेत दिया है कि सत्र की कार्यवाही में सरकारी कामकाज हावी रहेगा। हालांकि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वे उन मुद्दों पर बहस के लिए दबाव डालेंगे जो देश के लिए महत्वपूर्ण है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हम 5 दिनों तक मोदी चालीसा नहीं सुनने वाले हैं। और जो पार्लियामेंट्री बुलेटिन में छपा है वो भी देखने वाली बात है। पार्लियामेंट्री बुलेटिन में छपा है 18 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 19 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 20 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 21 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 22 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस। ये क्या एक तरफा तोप चलाया जा रहा है? हमें कोई जानकारी नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई वार्तालाप नहीं। आज कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और हम उम्मीद करते हैं कि 8 बजे की मीटिंग के बाद इंडिया पार्टी भी एकजुट होकर कहेंगे कि हम इस विशेष सत्र में भाग लेना चाहते हैं, हमारा रचनात्मक सहयोग हमेशा के लिए है, पर हम चाहते हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, उस पर भी चर्चा के लिए हमें एक मौका ढूंढ निकालना चाहिए। किस रूल के तहत उस पर बातचीत हो सकती है? अलग अलग रूल है, अलग अलग नियम है, लोकसभा में, राज्यसभा में, उस पर हम बातचीत कर सकते हैं, पर यह नामुमकिन है कि 5 दिन के लिए सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस हो। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रमेश का कहना था कि ये नामुमकिन है कि सिर्फ सरकारी कामकाज हो। क्या हमारी मौजूदगी सिर्फ वाहवाह करने के लिए और प्रधानमंत्री का गुणगान सुनने के लिए है? हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर चर्चा हो। रमेश ने साफ कहा कि 5 अगस्त 2019 की तरह नहीं होना चाहिए कि ये कहा जाए कि कोई विधेयक पेश करके उसी दिन पारित करना है। उधर लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। पीसी के बाद उन्होंने भी साफ कहा कि इंडिया के सभी दल इस पर विचार कर रहे थे और सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि इस सत्र में वो जनता के मुद्दे उठाएंगे और इस सत्र में उनकी भागीदारी भी होगी। और हमारी तरफ से इंडिया अलायंस की एक सहमति बनी है कि हम एक सकारात्मक सत्र चाहते हैं, देश के हित में, देश के उन्नति और प्रगति में, देश के वर्तमान के जो मूल समस्या है उनको समाधान करने के लिए एक सकारात्मक सत्र चाहते हैं जिस पे हमारा इंडिया अलायंस का पूरे तरीके से सहयोग रहेगा। और जब देश को आगे ले जाने की बात आती है तो इंडिया अलायंस ने इस मीटिंग में दोबारा कबूल किया है कि हमारी एकता से भाजपा लड़
खड़ा गई है। हमारी एकता से भाजपा घबरा चुकी है और हमारी एकता से लोगों में एक नई उम्मीद उजागर हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।